2023 के रन के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगस्त में मध्य प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल के ब्योहारी आएंगे। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में सभा करेंगे। AICC से कार्यक्रमों को मंजूरी मिल चुकी है। शहडोल के बाद राहुल गांधी आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में आ सकते हैं। AICC को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिले में से किसी एक जगह सभा का प्रोग्राम भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़वानी या झाबुआ में से किसी एक जगह राहुल गांधी का दौरा फाइनल हो सकता है। MP कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के उज्जैन दौरे का भी प्रस्ताव भेजा गया है। 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का भोपाल दौरा प्रस्तावित है। इसके दूसरे दिन 23 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन में होंगे। 5-6 अगस्त को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खजुराहो के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बाकी हैं। सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। सीधी पेशाब कांड के बाद लगातार प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के बैक टू बैक मामले सामने आए, जिसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बात को भांपते हुए अब कांग्रेस ने भी अपना फोकस आदिवासियों पर मोड़ लिया है। कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा प्रदेश के 17 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान पार्टी और कार्यकर्ताओं का फोकस आदिवासी बाहुल्य 36 विधानसभा सीटों पर रहेगा। इस यात्रा की शुरुआत सीधी जिले से हो रही है, जहां से हाल ही में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सुर्खियों में आया था। वहीं इस यात्रा का समापन 7 अगस्त को मालवा निमाड़ के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीट आदिवासी यानी जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है, जबकि 22% आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बड़ा वोट बैंक है। इस वर्ग को साधना काफी अहम भी है। BJP और कांग्रेस दोनों ही इसे साधने की कोशिश में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था। इसके चलते कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। एक तरफ BJP आदिवासियों को रिझाने की कोशिश कर रही है। साल 2003, 2008, 2013 के विधानसभा चुनावों में BJP की जीत में इन सीटों का विशेष योगदान रहा था। लिहाजा सूबे की BJP सरकार आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत आसान हो सके। वहीं कांग्रेस भी आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।